अस्तित्ववाद के विषय में कल हम बात कर रहे थे कि कोई एक कोहेसिव का मतलब जो बिल्कुल इकट्ठा मुट्ठी बंद, ऐसा कोई सिद्धांत, ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं है। हमारे पास जो बड़े बड़े फिलॉसफर हैं और एक जो इनके फाउंडर माने जाते हैं, उनको मिला के 6, नहीं तो बड़े बड़े 5 ही फिलॉसफर हैं। अस्तित्ववाद का ज़्यादा प्रभाव जो है कहानियों में, नॉवल में, साहित्य में बहुत प्रभावी दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि साहित्य में से ही निकल के आया ये दर्शन। साहित्य में मनुष्य की कुंठाओं को, मनुष्य की एंग्जाइटी को, मनुष्य की चिंताओं को कहानियों के ज़रिए, नॉवल के ज़रिए बहुत ज़्यादा प्रसारित किया जाता है। फ्रायड को बड़ा कोट कर रहे थे साहित्य वाले। फ्रायड ने अपनी किताब लिखी है, बहुत बढ़िया किताब मानी जाती है, सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट, एंड उसमें निष्कर्ष उसने निकाला है फ्रायड ने, न्यूरोसिस इज द मिनिमम प्राइस दैट यू शैल हैव टू गिव फॉर बीइंग सिविलाइज्ड। मानसिक बीमारी, मानसिक रोग, मानसिक चिंता, न्यूरोसिस, न्यूरोसिस माने चिंता, एंग्जाइटी न्यूरोसिस, ये एंग्जाइटी जो है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस, ये आज की जो सिविलाइजेशन है ये कट थ्रोट कंपटीशन की सिविलाइजेशन है, इसमें कोऑपरेशन दिखाई नहीं देता। तो ये जो सिविलाइजेशन है, जिसको हम सिविलाइजेशन कह रहे हैं, सभ्यता कह रहे हैं, ये सभ्यता क्या है? डिसकंटेंट, कंटेंट, अशांति। तो इन्होंने फ्रायड को भी कहा, कहानियों में, फिलॉसफी में नहीं, इन्होंने कहानियों में देखा, साहित्य में देखा कि लोग फिलॉसफर को उसको कह रहे हैं कि फ्रायड जो बीमार, जो डॉक्टर थे, मेंटल डॉक्टर थे, उन्होंने अपना चिकित्सालय बंद कर दिया और चिकित्सालय बंद करके उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि हमारी जो अमेरिकन कल्चर है उसमें इतने लोग मेंटली बीमार क्यों हो रहे हैं, तो हमारी कल्चर में कुछ दोष है, या तो हमारी कल्चर ज़्यादा टाइट है, उसके नॉर्म ज़्यादा टाइट हैं, या दूसरी ओर हमारी कल्चर में बिल्कुल लूजनेस है। तो उस कल्चर पर विचार करने के लिए फ्रायड ने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया, डॉक्टरी का, मेडिकल प्रोफेशन। और फ्रायड जो हैं वो सोशल थिंकिंग की तरफ आ गए, समाज का विश्लेषण करने लगे, और उस समाज का विश्लेषण करने के बाद ही उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर आप सिविलाइज बनना चाहते हो तो आपको अपनी जो बेसिक टेंडेंसीज हैं, जो मनुष्य की बेसिक टेंडेंसीज हैं, उन पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा। और जब उन पर आप नियंत्रण करोगे तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें जो हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, वो तो अपना सेटिस्फेक्शन चाहती हैं, लेकिन सिविलाइज सोसाइटी में उनका सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता। तो इस पर कहानियाँ बहुत आ रही थीं, साहित्य की बड़ी रचना हो रही थी कि आज के समाज में, सिविलाइज समाज में, प्रोग्रेस समाज में मानसिक चिंताएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, मानसिक रोग क्यों बढ़ रहे हैं। तो ये जो चिंताएं आ रही थी साहित्य से, एंग्जाइटी आ रही थी वहाँ से, वो उसी एंग्जाइटी में से ये अस्तित्ववाद निकला है, उनका सुझाव कि उस एंग्जाइटी को कैसे दूर किया जाए। तो 5 जो थिंकर हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से
उसका सुझाव दिया है, समस्या कॉमन है सब में, उसके सुझाव अलग अलग हैं, इसलिए कोई फिलॉसफी, कंसिस्टेंट फिलॉसफी, बंधी हुई फिलॉसफी जिसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि स्कूल, फिलॉसफी का स्कूल बन गया, ऐसा कोई स्कूल अस्तित्ववाद का नहीं है। इसलिए हम अस्तित्ववाद का अध्ययन करने में नेगेटिव चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वो कौन सी समस्याएं हैं जिनमें से हमारा अस्तित्ववाद निकल करके आया है, प्रतिवाद, जिनको हमने काउंटर किया है, जिनका हमने मुकाबला किया है, वो कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में से हमारा दर्शन ये फुल अस्तित्ववाद, उस समस्या के सुझाव अलग अलग हमारे पांचों थिंकर ने देखे हैं। तो पहली समस्या तो हमारी वही है हेगेलियन वाली। हेगेलियन ने अत्यंत बुद्धिवाद ला दिया। अब बुद्धि की ज़रूरत तो है आदमी को, बिना बुद्धि के काम नहीं चल सकता, लेकिन हमारी सारी इच्छाओं पर, हमारी सारी जो आकांक्षाएं हैं उन पर, हमारी जो अंदर कोमल भावना है उन पर अगर बुद्धि छा जाए तो फिर मनुष्य क्या रहा? मनुष्य लॉजिकल एंटिटी नहीं है। मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, इमोशंस भी हैं और भी, बड़ा इस पर अध्ययन हुआ है, बहुत ज़्यादा अध्ययन हुआ है। मैस्लो नाम के एक बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने ह्यूमन मोटिवेशन पर बड़ा अध्ययन किया है। आदमी के अंदर बहुत सारे मोटिव होते हैं, तो उन्होंने एक सारे मोटिव का एक स्केल बनाया और उस स्केल में बना करके बीच में एक बहुत ही बिजली का तार लगा दिया, जिसमें 2 वोल्टेज की बिजली जाती थी, 2 वोल्टेज की बड़ी हल्की होती है। एक तरफ उन्होंने चूहा रख दिया और एक तरफ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेटिस्फेक्शन रख दिया। चूहा, एक भूखा चूहा रखा और दूसरी तरफ राइस ब्रैन, चावल उबला हुआ, उबले हुए चावल की सुगंधी से चूहा बहुत आकर्षित होता है। दूसरे नंबर पर उन्होंने क्या किया, एक चूहा रखा और दूसरी तरफ एक चूही रख दी, सेक्स मोटिव, हंगर मोटिव, सेक्स मोटिव, मैटरनल मोटिव। एक तरफ छोटे छोटे बच्चे अभी चूही के पैदा हुए हैं, उनको एक तरफ रख दिए और एक तरफ चूही रख दी। इस तरह से उन्होंने सारे मोटिव को देखने के लिए कि ह्यूमन मोटिव में कौन से मोटिव स्ट्रॉन्गर हैं, कौन से मोटिव हल्के हैं जिनको बिल्कुल दबाया जा सकता है, और मैस्लो ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। वो बिजली का जो तार था उसमें से बिजली गुजारी, अब चूहा जो था वो भागा, भूख लग रही थी, भूखा चूहा था, भागा, जैसे ही बिजली का झटका लगा वो कूद करके पीछे आ गया, लेकिन भूख बहुत लगी हुई थी, फिर वो भागा। आखिर में उस चूहे ने सोच लिया कि मरना तो है ही, वो बिजली के झटके को भी पार सहा करते हुए वहाँ चावलों पर पहुँच गया, चावल खाने शुरू कर दिए। दूसरा चूहा जो था वो भागा, बिजली का झटका लगा, लौट के आ गया। 4-5 बार उसने कोशिश की, 4-5 बार कोशिश करने के बाद बिल्कुल शिथिल हो गया, थक गया और उसने प्रयास करना छोड़ दिया, सेक्स मोटिव। इसी तरह मैटरनल मोटिव, छोटे छोटे बच्चे हैं चूही के और माँ उनके साथ, तो 2-3 बार चूही उधर गई, 2-3 के बाद चूही ने कही कि मैं अपनी जान क्यों खतरे में डालूं, ये मरें या जिएं। तो इस तरह से सारे मोटिव जो हैं उन्होंने बनाए। तो ह्यूमन बीइंग को आप मोटिव को कैसे नेगलेक्ट कर देंगे? हालांकि इसमें हिंदुस्तानी बच्चों ने बड़ा माहौल उड़ाया मैस्लो का,
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो थे डॉक्टर राय, जो मैस्रो के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने जब आकर के बताया कि ये एक्सपेरिमेंट किया है, स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिव जो है आदमी में वो हंगर है। हंगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिव है। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के जो थे, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप इतने दिनों में अमेरिका में मैस्रो के साथ काम करके आए, ये चूहों का एक्सपेरिमेंट आदमी पर लागू नहीं हो सकता। वो तो कहने लगे, हमने कहते आदमी पर यूँ नहीं हो सकता कि वो जो चूही रखी थी वहाँ पर, दूसरी तरफ चूहे को ही पता नहीं था कि चूही बूढ़ी है, जवान है, सुंदर है, या कहते कोई सुंदर सी चूही और जवान सी चूही रखते तो चूहा जो होता वो तो भूख बूझ के अपनी जान खतरे में डाल के चला जाता, सेक्स स्ट्रॉन्गर मोटिव हो जाता। तो उनको लगा कि हाँ भाई मैस हो गए। तो इन्होंने कहा कि ये कहानियाँ जो सारी आ रही हैं, इन कहानियों के आधार पर आप बुद्धिजीवी बना करके बुद्धि के आधार पर आदमी के मोटिव्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये एक समस्या है जिसने अस्तित्ववाद को जन्म दिया। मानव बड़ा कॉम्प्लेक्स है। दूसरी समस्या जो इनके सामने आई, वो तो हम पहले भी देख चुके थे कि बुद्धिवाद ने आदमी को कठपुतली बना दिया, परछाई बना दिया, ह्यूमनिटी। ये तो हमने शुरू में भी देख लिया था कि अस्तित्ववादियों ने हेगल के खिलाफ सबसे ज़्यादा ये ऑब्जेक्शन उठाया कि हेगल ने ह्यूमनिटी बिल्कुल ख़त्म कर दी, मानव मानव नहीं है। यही चीज़ हमने हिंदुस्तान में भी लागू की थी, शुरू में ही बताया था कि हिंदुस्तान में बहुत सारे आदमी जो भजन गाते हैं, राम हम तो तेरे कुकर हैं। अब जब कुकर कह रहा है आदमी अपने आप को, तो राम हम तो तेरे कुत्ते हैं, तो आदमी को कुत्ता बना दिया तुम्हारे ब्रह्मवाद ने, तुम्हारे के भगवान ही ब्रह्म ही सब कुछ है, आदमी तो कठपुतली है, उसके हाथ की खिलौना है। तो ये तो हमने शुरू में ही देखा था कि इन्होंने हेगल के खिलाफ जो झंडा उठाया वो यही था कि हेगल ने मानव की मानवता बिल्कुल ख़त्म कर दी है। अब तीसरी चीज़ आई कि विज्ञान का युग है, विज्ञान हेगल की बातों को चैलेंज कर रहा है कि वेरीफाइबल तो है ही नहीं तुम्हारा एक भी स्टेटमेंट। पॉजिटिव जो लॉजिकल पॉजिटिव थे उन्होंने चैलेंज किया, मेटाफिजिक्स का कोई भी स्टेटमेंट वेरीफाइबल नहीं है। और अस्तित्ववादियों ने एक शब्द लिया, कंसेप्ट, एक कंसेप्ट लिया, शब्द उन्होंने लिखा कि अमरता का जो सिद्धांत है उस पर बड़े खींचतान हुई है, बाल के खाल निकाले गए हैं, कैसे अमरता प्राप्त की जाए, कि अमरता क्या है। लेकिन वो सब आकाश की हवा की बातें हैं। अस्तित्ववादियों ने कहा कि मूल समस्या से बचने के लिए आपने ये अमरता का कंसेप्ट बना लिया जो बिल्कुल वेरीफाइबल नहीं है, एक शब्द भी इसमें वेरीफाइबल नहीं है। तो कहते असली समस्या क्या है उसको तुम भूल गए। अब असली समस्या यह है कि डेथ इज ए फैक्ट विच कैन नॉट बी, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो डेथ से आदमी जो फियर ऑफ डेथ से उससे बचने के लिए तरह तरह की कल्पनाएं बनाता है, ये सारी कल्पनाएं हैं। सख्त से बचना चाहता है आदमी डेथ से। तो ये भी इन्होंने एक समस्या देखी कि आदमी डेथ से भयभीत होने के कारण से ये बड़ा भय है, उसके लिए बड़े बड़े सिद्धांत बना रहा है, बड़ी बड़ी किताबें लिख रहा है, लेकिन सब हॉलो खोखली थ्योरियाँ हैं। मौत को स्वीकार कर लो, जीवन में जब आप इस जगत के, इसीलिए इन्होंने कहा कि आदमी को एब्स्ट्रैक्शन में अध्ययन मत करो, आदमी को इस जगत से निकाल करके और आप उसका कंसेप्ट बना के और उसका अध्ययन कर रहे हैं।
आदमी तो इमोशंस भी हैं उसमें, इंस्टिंक्ट भी है उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक ये भी समस्या इन सब के सामने आई, जितने भी पांचों थिंकर हैं। अब विज्ञान ने एक काम और किया, विज्ञान ने मेटाफिजिक्स तो उड़ा दी, चलो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आदमी की मानवता ख़त्म कर दी। सारी साइकोलॉजी जो ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करती है, उसमें दो चीज़ें उन्होंने, अस्तित्ववादियों ने बड़ा उसका प्रतिवाद किया, उसको काउंटर किया, काउंटर अटैक किया। एक तो ये कि आदमी को आपने एक बायोलॉजिकल बीइंग बना दिया, चूहों पर जो नियम लागू होते हैं वही आदमी पर नियम लागू होंगे। आपने नियम ये किया कि आदमी सोशल है या नहीं है, या उसके अंदर सोशलिटी है, तो आपने क्या काम किया कि कुछ मुर्गियां बुलाईं और मुर्गियों को खाना खिलाया, और मुर्गियां जितने दाना खाती थीं उन्होंने मैक्सिमम दाने खा करके, और वो बास्किंग करने के लिए धूप में लेट गई जाके, और जैसे ही वो जाके धूप में लेटी, आपने 5-6 भूखी मुर्गी वहाँ भेज दी। भूखी मुर्गियों ने जैसे ही दाना खाना शुरू किया, वो जो रजी हुई मुर्गी थी, पेट भरी हुई मुर्गी थी, जो बास्किंग कर रही थी आराम के, उठ के आ गई, उन्होंने एक थोंग मार के 2-4 दाने। आपने कहा सोशल हंगर भी क्रिएट हो सकती है, ये फिजिकल हंगर तो, अब ये सोशल हंगर जो है इसको आपने सोशल हंगर नाम दे दिया। किस आधार पर ये आधार दिया? मुर्गियों पर अध्ययन किया, आदमी पर लागू कर दिया। मुर्गी और आदमियों के अंदर बहुत अंतर होता है। इसी तरह आपका सारा जितना भी अध्ययन है वो चूहों पर है, साइकोलॉजी का। और चूहों पर आप क्या करते हैं? स्टिमुलस रिस्पॉन्स, प्रकृति में भी यही चलता है, जड़ वस्तुओं में ये स्टिमुलस दिया, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा दी, पेड़ की पत्ती सुखड़ गई, रिस्पॉन्स हो गया। इसी तरह फिर आपने बिल्लियों पर, कुत्तों पर दिया, ज़रा कोई चीज़ फेंकी, कुत्ता दौड़ के आया और वो चीज़ हटा ली तो कुत्ता जो है भौंकने लगा। तो ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का सिद्धांत जो है, ये आदमी को मशीन बना देता है, आदमी को जड़ वस्तु बना देता है। आपने स्टिमुलस रिस्पॉन्स के द्वारा ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। इसका बड़ा क्रिटिसिज्म किया है अस्तित्ववादियों ने। ह्यूमन बिहेवियर में दो चीज़ें ऐसी हैं, उनको आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, जो जानवर में नहीं होती। आदमी के व्यवहार को आप जानवर से, तो अस्तित्ववादियों ने यह भी कहा कि दो चीज़ें जो आदमी के व्यवहार में हैं उसको जानवर के व्यवहार से कैसे लाओगे? एक तो है सोशल इनहिबिशन, जानवरों में नहीं होती। आप अपने दोस्तों के साथ खड़े हुए हैं और वहाँ गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से गंदा गंदा माहौल कर रहे हैं, गाली वाली भी दे रहे हैं कुछ, लेकिन सामने से आपने देखा कि पिताजी आ रहे हैं तो एकदम ये इनहिबिशन, अपने व्यवहार को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया, इनहिबिट कर लिया। ये चूँ जानवर नहीं कर सकते, जानवर ये नहीं कर सकता कि मेरे पिताजी आ रहे हैं और मैं गलत काम कर रहा हूँ तो इसको रोक दूँ। इसी तरह सोशल फैसिलिटेशन, एक आदमी, एक लड़का यहाँ था, आजकल वो बड़ा अच्छी जगह पर लग गया है पुलिस में, वो अपने घर में क्या काम करता था कि बिल्कुल कोने में बैठा रहता था, माँ उसकी रोटी रखी आती थी, रोटी खाने के बाद फिर अपने ऐसे बैठ जाता था। तो उसके पिताजी ने कहा, सब पुलिस में थे, उसके पिताजी बहुत अच्छी पद पोस्ट पे, वो कहने लगे सिन्हा साहब आप तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं, मेरे लड़के को क्या हो गया है? कहते उसकी माँ झाड़े भी लगवाई आई, ओपरा भी कराई आई। तो हमने कहा कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे। तो वहाँ आए, लड़के को देखा जाकर, हमने कहा जी इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको ये बीमारी है कि आप घर में जब जाओ तो थानेदारी का व्यवहार घर में मत किया करो, बच्चों से बच्चों की तरह बात किया करो,
आदमी से आदमी की तरह बात किया करो, थानेदारी ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने व्यवहार ठीक करना शुरू किया, वो बच्चा अपने बाप को चुटकुले सुनाने लगा, कहानियाँ सुनाने लगा। इसको कहते हैं फेलिसिटेशन। आदमी शर्म के मारे या डर के मारे बोल नहीं रहा, और जैसे ही उसको खुला हुआ वातावरण रहा, या दूसरी तरह से देख लो कि एक आदमी घर में बड़ा कठोर वातावरण है और वहाँ बोल नहीं सकता, ज़रा से भी बोला, और जब दोस्तों में गया तो घर में तो चुप बैठा है, दोस्तों में बड़ी बड़ी कहानियाँ भी सुना रहा है और उल्टी सीधी बातें भी कर रहा है जो घर में नहीं बोल सकता। ये फेलिसिटेशन जो है, ऐसा वातावरण बन जाए जिसमें आदमी अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, तो उसमें जाते हुए एक्सप्रेशन करने लगता है। ये जानवरों में है क्या? तो अस्तित्ववादियों ने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर को जानवर के बिहेवियर से एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता, इसलिए सारी साइंस जो है उसने मानव को स्टिमुलस रिस्पॉन्स की तरह से एक जड़ वस्तु बना दिया। आदमी की साइकोलॉजी ने आदमी की मानवता की मानव की मानवता छीन ली है, मानवता को चूहा और वो बना दिया है मुर्गी। तो इसके खिलाफ भी विरोध करो, साइंस को तोड़ दो, हटा दो साइंस को। साइंटिफिक थिंकिंग मानवता के लिए कल्याणकारी नहीं है। ये साइंस के विरोधी तो नहीं है, साइंटिसिज्म के विरोधी हैं। जब साइंस को ह्यूमन बिहेवियर पर लागू किया जाने लगता है तो उसके विरोधी हैं। आपकी जो जड़ वस्तुएं हैं वह एटॉमिक लॉ से चलेंगी, लेकिन आदमी एटॉमिक लॉ से थोड़े चलेगा। अब आदमी की दोनों चीज़ों को एटम पे कैसे लागू कर दोगे? एटम जो है उसके अंदर फेलिसिटेशन होती है क्या कि जी एटम इस तरह घूम रहा है और जैसे ही उसका बाप आया एटम रुक गया, ऐसा हो जाएगा कहीं? या ऐसा है कि एटम बिल्कुल बंद पड़ा, चल नहीं रहा, तो आपने उसके दो तीन दोस्त बुलाए और उन्होंने आकर के मखौल उखौल करना शुरू किया, बोलने लगा, एटम पे कैसे ये लॉ आदमी के लॉ लागू हो जाएंगे? तो अस्तित्ववाद ने इसका भी विरोध किया, साइंटिसिज्म का। ये साइंटिसिज्म जो है ये बड़ी कहानियों में आ रहा था, बायोलॉजी की कहानियों में। बायोलॉजी का क्रिटिसिज्म करते हुए बहुत लोग क्रिटिसिज्म कर रहे थे, आदमी बायोलॉजिकल बीइंग नहीं है, आदमी आदमी है। फिर एक चीज़ और इनके सामने आई, आदमी के बिहेवियर को जब एक्सप्लेन करने लगते हैं फिलोसफर्स, तो यूनिवर्सल लॉ बना देते हैं। एरिस्टोटल ने नियम बना दिया, मैन इज ए रैशनल एनिमल। अब ये सारे आदमियों को आपने रैशनल एनिमल बना दिया, इंडिविजुअलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। आदमी की इंडिविजुअल एम्बिशंस को, आदमी की इंडिविजुअल इच्छाओं को, आदमी के इंडिविजुअल बिहेवियर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। आदमी के लिए कैसे यूनिवर्सल लॉ बना दोगे? एक आदमी अपने घर में बैठा हुआ, उसकी बहन आई और आके कहने लगी भैया मुझे जाना है। आदमी उठा और कहा बहन तू जा रही है, ले ये 51 रुपये लेती जा मेरी बहन। क्या ये यूनिवर्सल लॉ बन सकता है? तो इसलिए इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि यूनिवर्सल लॉ ह्यूमन बिहेवियर के लिए नहीं बन सकता। आदमी की इंडिविजुअलिटी अलग अलग होती है, अलग आदमी की, किसी की कोई इंडिविजुअलिटी किसी के, और आदमी के टैलेंट भी अलग अलग होते हैं, आदमी की इच्छाएं भी अलग अलग होती हैं। तो हमारे जितने भी अस्तित्ववादी थे, इन सारी समस्याओं पर उन्होंने सबका प्रतिकार किया और उसमें से मानव को निकाल करके लाए। मानव की इच्छाएं, मानव की विचित्रताएं, मानव के इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इन सब को टेकिंग, इनको रिकॉग्निशन, इनको मान्यता दे करके, और एनिमल बिहेवियर से आदमी के बिहेवियर को बिल्कुल एक्सप्लेन मत करो। साइंस के इस वृत्ति को
कि चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आदमी पर लागू कर रहे हैं। तो इस वृत्ति का सबका खंडन कर करा करके इन सारी समस्याओं को लेकर के अस्तित्ववाद के दार्शनिकों ने चिंतन करना शुरू किया। अलग 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 दार्शनिक ने अलग अलग किया, लेकिन समस्याएं यही हैं। इन समस्याओं का प्रतिवाद किया है और इन समस्याओं का प्रतिवाद करके, जैसे हमने शुरू में कहा था कि मानव को केंद्र मान करके मानव केंद्रीय दर्शन खड़ा किया। मानव क्या है इसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता, इतना कॉम्प्लेक्स है मानव, उस आदमी का बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स है कि कोई रूल, यूनिवर्सल रूल नहीं बनाए जा सकते। रूसो ने कह दिया आदमी पॉलिटिकल एनिमल है, तो हर आदमी पॉलिटिकल एनिमल थोड़ी होता है, इंडिविजुअलिटी को आदमी को देखो। तो ये इन्होंने सारी समस्याओं को, जो चीज़ मानवता के खिलाफ खड़ी हुई थी और फिलॉसफी ऐसी बन गई थी जिन फिलॉसफियों ने आदमी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, कंप्लीट इग्नोरेंस हो। और भी बहुत सारी समस्याएं थी, सब्जेक्टिविटी, अब सब चीज़ों को ऑब्जेक्टिव बना दिया आपने, अब ये ऑब्जेक्ट की तरह आदमी के बिहेवियर को, आदमी की, चलो इसको हम सब्जेक्टिविटी को कुछ ना कहें आत्मा कह दें। तो सब्जेक्टिविटी जो है ये ऑब्जेक्टिव चीज़ों से कैसे एक्सप्लेन हो जाएगी। एक आदमी है, उसको आपने 4 रुपये 5 रुपये दिए, वो 5 रुपये प्राप्त करके आपके जूते पॉलिश करने लगा। और एक आदमी जरा स्वाभिमानी था, उसको आपने 500 रुपये दिए, उसने 500 रुपये में ठोकर मारे, आपके 2 जूते मारे, तेरी गुलामी करने के थोड़े हुआ। तो ह्यूमन बिहेवियर को यूनिवर्सलाइज कैसे करोगे आप, हो ही नहीं सकता। और आप यूनिवर्सल लॉ बना रहे हैं आदमी के लिए, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आदमी को आपने एब्स्ट्रैक्ट मैन को प्रकृति से निकाल करके और फिर आदमी की व्याख्या करने शुरू की। मैन एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स, ये है अस्तित्ववाद, एग्जिस्टिंग मैन। एग्जिस्टेंस की परिभाषा हमने कल देख ही ली थी। तो हम एक एक थिंकर का अलग अलग विचार देखेंगे इन समस्याओं पर। और जैसा हमने कहा कि साहित्य में आज, क्योंकि साहित्य में इन सारी मानव चिंताओं पर बहुत कहानियाँ लिखी जा रही हैं, इसलिए इनका प्रभाव साहित्य में बहुत ज़्यादा है और साहित्य में से उभर के ही आए हैं सारे के सारे। तो साहित्य पर भी इनका प्रभाव देखेंगे हम, देखो अब क्या कहते हैं। लेकिन हम मानव को मानव बना देंगे।